नवाचार आचार्य प्रविष्टि समय सागर जी महाराज के गुणायतन प्रेता शंका समाधान भावा एक प्रवक्ता जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, बोले परम पूज मुनिवर्षि निर्वेश सागर जी महाराज की, बोले परम पूज मुनिवर्षि संधान सागर जी महाराज की, देवी अहिल्या की नगरी मालवा के स्थान इंदौर में परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का ससंग चातुर्मास स्थापना का कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ और आज वीर शासन जयंती के पावन अवसर पर हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वख्यात संघ का समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व आइए चलते हैं जिनवाणी चैनल के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लें, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए हम और आप टीवी चैनल का बहुत चर्चित विश्वख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम पूज्यवर के चरणों में और इस सत्र में आज प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अपने बीच में सागर से पूज्य छुल्लक स्वरूप सागर जी महाराज जी, उनके गृहस्थ अवस्था के पिता श्री हरिश्चंद जी जैन यहाँ पर हैं, वे अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रदीप जी संध्या जी जैन महावीर मेडिकल सागर गुणायतन ट्रस्टी। सभी मुनिराजों को नमस्तु, सभी छुल्लक जी को इच्छा में महाराज जी एक वाक्य है, गुण रह शरीर प्रति क्षण नष्ट हो रहा है, गुण रह शरीर प्रति क्षण नष्ट हो रहा है, महाराज जी उसको थोड़ा समझाइए। ओ फिर से बोलिए, गुण रह शरीर प्रति क्षण नष्ट हो रहा है, गुण ग्रहण रहत 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 गुण रहत। हाँ देखो शरीर में तो कोई गुण है नहीं, शरीर तो ऊपर का चोला है, गुण किस में? आत्मा, आत्मा में। तो ये हमारा शरीर छन छन छीन हो रहा है, इसमें कोई संशय है क्या? नहीं है। तो बस शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, इसे पहचान। नमस्ते महाराज। श्री प्रदीप जी संध्या जी महावीर मेडिकल गुणायतन के संस्थापक सदस्य और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर के एम जी गंगवाल पूना। गुरुदेव नमस्तु। गुरुदेव मेरा प्रश्न है कि मेरे शहर में मेरे आराध्य पधारे थे, उनकी मुझे भक्ति पूजन आराधन सब करने का नब्दा भक्ति पूर्वक पड़गाने का भी अवसर मिला था, लेकिन किस अंतराय कर्म के कारण हमें उनका गंधोदक प्राप्त नहीं हुआ महाराज जी, इस बारे में हमारा प्रश्न है। तो हमारा प्रश्न ये है कि हमारे परिवार को गंधोदक प्राप्त नहीं हुआ, वह कौन सा कर्म था? और परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे कि आप ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, तो महाराज जी कृपया समाधान करें और यह अंतराय कर्म कैसे टलेगा, कृपया हमें मार्गदर्शन दें। नमोस्तु। देखिए यही तो संयोग, आप ये मत सोचिए कि हमें गंधोदक नहीं मिला, आप इस बात के लिए अपने आप को खुश नसीब समझिए कि कम से कम हमें पड़गाहन तो मिला, लोगों को तो वो भी नहीं, बाकी सब कुछ ठीक था, गर्मी भयानक थी, दूरी लंबी थी, ये तो पहले ही दिमाग में लगा लेना था, अपने साथ महाराज का ख्याल रखते तो ये समस्याएं क्यों आती, इसलिए गंधोदक तो कहीं भी लिया जा सकता। आशीर्वाद डॉक्टर के एम जी गंगवाल पूना, जो साकार के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य। सम्मान सहित मंच पर आमंत्रित करूंगा डॉक्टर के एम जी गंगवाल पुणे, जो कि साकार के लिए आज एक पुस्तिका नई तैयार की है और उनकी विमोचन की मांग आमंत्रित करूंगा हमारी धर्म प्रभाव समिति के महानिर्देशक श्रीमान भरत जी कुसुम जी मोदी और साथ में गुणायतन के महामंत्री शिरोमणि संरक्षक कन्हैया लाल जी सेठी ही आएंगे और हमारे के एम गंगवाल जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी साकार की पुस्तिका तैयार की, उसका विमोचन का कार्यक्रम होगा और अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे। डॉक्टर के एम जी गंगवाल, जो साकार के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं और दीन दुखियों की सेवा में भी और श्री सेवायतन जो वहाँ सम्मी सिकरदी में उसमें बहुत अच्छा कार्य उन्होंने किया, जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। और साथ में है कन्हैयालाल जी सेठी जो गुणायतन के यशस्वी।
महामंत्री और प्रेमचंद जी सागर वे इस पुस्तक का और भरत जी मोदी में भरत जी कुसुम जी मोदी जो कि हमारी धर्म प्रभावना समिति के महानिदेशक हैं और गुणायतन से तन मन और धन से जुड़े हुए हैं। जोरदार ताली बजाकर हमारे सम्मानीय अतिथि का सम्मान करें। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार वंदन, त्रिवार वंदन। गुरुदेव आज वीर शासन जयंती थी और सुबह सुबह आपके प्रवचन में मैं सुबह से ही था। ऐसा लगता था मैंने आंखें बंद कर ली और ऐसा सोचने लगा कि मैं विपुलाचल पर्वत पर हूँ, मेरे साथ मेरे श्रावक बैठे हैं और महावीर के प्रतिनिधि के रूप में आप वहाँ देशना दे रहे हैं। गुरुदेव आपने जो तीनों चारों बातें आज कही हृदय को छू लेने वाली थी। पर्टिकुलरली आपने युवाओं के व्यसनों के बारे में जो कहा वो बहुत ही पावरफुल था। गुरुदेव भावना योग के माध्यम से हम पूना में हजारों युवकों को व्यसन मुक्त कर रहे हैं और आपके प्रवचन से आज का जो प्रवचन है मैंने पूरा रिकॉर्ड कर लिया है। हम ये हमारे जो व्यसनी युवा है उनको सुनाएंगे ताकि व्यसन मुक्ति हो के लिए वो कामयाब रहेंगे। गुरुदेव मैं मेरा सवाल यह है कि लोगों को व्यसन मुक्त ये युवा पीढ़ी को करने के लिए कुछ कमांड्स जो आपने मुझे पहले दी थी वो तो हम यूज़ करते हैं, उसके साथ साथ और क्या करें? और दूसरी दिक्कत आती है कि ये व्यसनी युवा है वो भावना योग कंसिस्टेंटली नहीं करते, हफ्ते में एक बार करते, दो बार करते हैं, उनको यदि हम कार्यशाला में लाए तो वो रोज करते हैं, तो गुरुदेव आपका मार्गदर्शन चाहिए। देखिए सबसे पहले तो मैं चाहूँगा एक बार डॉक्टर गंगवाल साहब का जोरदार अभिनंदन कर दो। उम्र के इस पड़ाव में भी ये बहुत ऊर्जा के साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने पूरा जीवन अहिंसा और शाकाहार के प्रचार प्रसार में खपाया है, ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। आपने व्यसन मुक्ति का जो अभियान छेड़ा है बहुत सराहनीय है और समाज में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज पूरी समाज और खासकर समाज का युवा वर्ग वैष्णों में भी सबसे ज़्यादा नशे के प्रति बहुत ज़्यादा नशे का आदि होता जा रहा है और नशे में अब सबसे भयानक रूप ड्रग्स ने लेना शुरू कर दिया। इसके लिए तो सरकारें भी बहुत चिंतित हैं। हमें इसके लिए एक व्यापक अभियान चलाने की ज़रूरत है और उस अभियान में लोगों के हृदय में एक ऐसी आध्यात्मिक चेतना विकसित करने की आवश्यकता है जिसके बल पर वो व्यसन और बुराइयों से मुक्त हो सके, लोगों को जीवन के मर्म का बोध कराए, जीवन भूल के मूलभूत लक्ष्य और उद्देश्य की पहचान कराए ताकि उनमें भटकाव रुके और वे अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकें। आपने जो पुस्तक लिखी है शाकाहार, पूरी पुस्तक का नाम तो मुझे नहीं दिख रहा है, आप ही नाम बोल दीजिए थोड़ा सा। सुखी जीवन का आधार शाकाहार। सुखी जीवन का आधार शाकाहार, वाकई में बहुत अच्छी पुस्तक है और मैं आप सबसे कहूँगा ये पुस्तक आप खुद पढ़ें और लोगों को पढ़ने की प्रेरणा दें ताकि शाकाहार के प्रति जागरूकता बढ़ सके। बहुत बहुत नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु। आगे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक सुरेंद्र प्रीति जैन गुवाहाटी अपना प्रश्न कर रहे हैं, उसके बाद में ललित सरावड़ी जी कल जाता तैयार रहेंगे। तीनों महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री आप लोगों के पास संयम तप त्याग और आचरण है, इसीलिए लोग आपके पीछे खींचे चले आते हैं और जो कोई भी आपसे एक बार मिलता है वो आपका होकर रह जाता है। तो महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि मोबाइल के पास ऐसा क्या है जो लोग चाहे छोटे हो या बड़े किसी के भी हाथ में आने के बाद उसे छोड़ने का नाम नहीं लेता। महाराज जी देखिए साधु का आकर्षण एक सात्विक आकर्षण है और मोबाइल का आकर्षण एक भौतिक आकर्षण। सात्विक आकर्षण कठिनाई से जगता है
भौतिक आकर्षण सहज होता है। धर्म के प्रति लगाव किसी किसी का होता है, पाप के प्रति झुकाव प्रायः सबका होता है। मोबाइल एक ऐसा ही साधन है जो मनुष्य को मुग्ध करता है और उस मुग्धता के परिणाम स्वरूप वो पागल हो जाता है। हमें चाहिए कि हम इस मुग्धता से मुक्त हों और मोबाइल का उतना ही उपयोग करें जितना औचित्य का बोध करें, आवश्यक और अनावश्यक की पहचान करें, क्या और कितना प्रयोजनीय है इसका ध्यान करें। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री। सबसे पहले तो मैं कल के अद्भुत अद्वितीय और अचंभित करने वाले कलश स्थापना दिवस के लिए सभी इंदौर वासियों को और सभी इंदौर के पदाधिकारी चतुर्मास के पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इतना बढ़िया प्रोग्राम इन्होंने किया। जो स्टेडियम में जिस तरह की पोजीशन थी महाराज श्री, मैंने तो कोई पिक्चर का स्टार आता है या कोई गायक बहुत बड़ा आता है तो ही इस तरह की भीड़ देखती है, लेकिन कल जो यहाँ भीड़ थी वो देखने लायक थी महाराज श्री। इसीलिए मैं इंदौर के सभी वासियों को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। महाराज श्री, ये जो चतुर्मास के चार महीने होते हैं इसमें हम खूब बढ़ चढ़ के धर्म करते हैं और इसमें काम सारे विराम दे दिए जाते हैं, शादी ब्याह या कोई गृह प्रवेश या कोई नया काम, मगर सामाजिक काम या सांसारिक काम नहीं होते। हमारे देश में एक परंपरा है, जब अशुभ समय आए तो शुभ का आलम्बन लो, ये देश की एक व्यवस्था है। अशुभ आए तो शुभ का आलम्बन लो। ये चार महीने के जो का समय है ग्रह नक्षत्रों की दृष्टि से, उस समय उसको शुभ नहीं माना जाता ज्योतिष के हिसाब से, इसलिए मांगलिक कार्य नहीं करते। तो मांगलिक कार्य जब नहीं करना है तो ऐसे अशुभ समय में हम जितना शुभ कर ले उतना अच्छा है। इसलिए चार महीना लोग जी भर कर धर्म करते हैं और इससे एक संदेश लेकर जाए कि जब भी अशुभ सामने आए शुभ का दामन पकड़ लो, सब ठीक होगा। ओ अपने बीच में कोलकाता से वाहद जिंदगी के चेयरमैन ललित जी सरावगी यहाँ पर है, जिन्होंने 200 शॉर्ट फिल्म बनाई है और 4 बार विश्व रिकॉर्ड बनाया। जोरदार तालियां उनके लिए बजा दीजिए। वो अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगी ब्रह्मचारी सुनीता दीदी पदम जी जैन पास जो शिरोमणि सरिष्ठ गुणायतन है। गुरुदेव, मेरी शंका किसी धर्म या धार्मिक गतिविधि को लेके नहीं है, मेरी शंका कोई सामाजिक काम को लेके नहीं है, मेरी शंका आम लोगों के संबंधित भी नहीं है, मेरी शंका आपको लेके है। गुरुवर, मैं पिछले कई सालों से आपके सानिध्य में हूँ। मैंने आपको देखा है कि हजारों आदमी से आप घिरे हुए रहते हैं। आपके जीवन पे मैंने फिल्म बनाई, गुणायतन पे मैंने बनाई, मैंने आपको देखा कि आपका एक पांव गुणायतन में है, एक पांव जहां आप विराजित हैं वहां है, एक व्यक्ति को जवाब इधर दे रहे हैं, एक व्यक्ति की बात वहां सुन रहे हैं। और कल इंदौर का जो चातुर्मास हुआ उसमें हजारों हजार आदमियों की भीड़ में 7 घंटा। गुरुदेव, मेरी शंका है कि आप में क्या कोई जादू है, कोई चमत्कार है, या ऐसी क्या बात है गुरुदेव में आप में जो इतनी शक्ति है, वो शक्ति हम में क्यों नहीं है? हम 2 घंटा काम करते हैं, हम थक जाते हैं। ये शंका मेरी आप दूर करें गुरुदेव, कि आप जादुई व्यक्ति हैं कि चमत्कारिक व्यक्ति हैं कि आप क्या हैं? देखिए, न तो मुझ में कोई जादू है न कोई चमत्कार है, मैं तो जादू टोना और चमत्कारों से अपने आप को दूर रखता हूँ और इनमें विश्वास भी नहीं रखता।
लेकिन हाँ, मैं सतत अध्यवसायी हूँ, सतत प्रयत्न करता हूँ, प्रयास करता हूँ, तत्परता मेरा स्वभाव। क्षण भर के लिए भी अपना समय नहीं खोता। मैं बेहतर से बेहतर बन सकूं और बेहतर से बेहतर कर सकूं। और ये प्रयोग भी मेरी एक तपस्या है, उस तपस्या की तरह मैं प्रयोग कर रहा हूँ, चल रहा है। जब सफल हो जाएगा तब आप लोगों को प्रेरणा दूंगा, और अगर मुझे लगेगा कि इसमें कसर है तो आपको भी कहूँगा आप फॉलो मत करना। और अभी तो सबसे कह रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ उसका आप बिल्कुल भी अनुकरण मत करना। जब मेरा प्रयोग सफल हो, मुझे लगे, तब मैं खुद कहूँगा कि ये प्रक्रिया स्वस्थ रहने के लिए अपनाना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। एक सवाल गुरुदेव मेरा और है, मैं एक ही आपकी इजाजत से एक ही। आज बहुत प्रेशर है बस एक छोटा सा सवाल जो काफी गंभीर है। जल्दी से गुरुदेव, जो मृत्यु शैया पे हैं, जिन्हें डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि एक दिन के बाद इनका जीवन समाप्त हो जाएगा, उन्हें गंभीर बीमारियां हैं, हर जगह से निराश हो गए हैं, सांस अब जाने वाली है, वैसे व्यक्तियों को कहीं न कहीं किसी आचार्य से मुनि दीक्षा दिला दी जाती है और उनके नाम के साथ सागर जुड़ जाता है, तो क्या गुरुदेव मुनि बनना इतना आसान है? आशय समझ गया, ये कतई उचित नहीं। आचार्य महाराज सदैव इसका निषेध करते थे। ये मरणासन्न व्यक्ति, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कपड़े उतार दिए, बाल उतरवा दिए और कह दिए मुनि बन गए, ऐसे मुनि नहीं बनते। दीक्षा या पिच्छी किसी को उस स्थिति तक दी जा सकती है जब तक दीक्षा लेते समय वह अपनी चर्या करने में सक्षम हो, यानी अपने बल पर चलकर आहार ग्रहण करने की स्थिति हो तो दीक्षा देना। मरते मरते को पिच्छी पकड़ा देना, पिच्छी का मखौल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए आपकी ऐसी स्थिति आए उससे पहले ही अपने आप को तैयार कर, समझ गए? नमस्ते गुरु। हाँ, ब्रह्मचारी सुनीता दीदी जी और साथ में है उनका पूरा परिवार बांसा से, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। बिहार की पूरी टीम में ये भी शामिल रही और उस समय नहीं बुला पाए थे, आज भी ये अभी शिरोमणि संरक्षक भी बनाए तंके हैं। और उसके बाद में तैयार रहेंगे असित अर्चना जी बेनाडा कोलकाता कलकत्ता। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, सभी मन राजा के चरणों में नमोस्तु, सभी छुलक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, हमारी शिकायत नहीं है, हमारा मन है कि कल गुरु पूर्णिमा थी, गुरु के प्रति हमने तो अपना समर्पण कर दिया, लेकिन गुरु का बृहद हस्त हम लोगों के ऊपर बना रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए या हमें क्या कमी है तो वो हम अपनी पूर्ति करें कि गुरु का बृहद हस्त हम सब परिवार के ऊपर बना रहे। देखिए, गुरु का बृहद हस्त अपने आप हम पर पड़ जाता है यदि हम गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। और जब समर्पण आ जाता है तो ये नहीं देखा जाता है कि गुरु का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है या नहीं। समर्पित व्यक्ति तो हमेशा सोचता है और केवल एक ही बात सोचता है कि मैं जिनकी शरण में हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। महाराज जी, आपने एक कलश स्थापित किया है, सब जगह 5, 11, 21 संख्याओं 1008 कलश स्थापित होते, वो हम लोगों को क्यों मौका नहीं दिया कलश स्थापित करने का? देखो, कलश स्थापित करना चातुर्मास के लिए जरूरी नहीं, ये तो लोगों को जोड़ने के लिए, प्रभावना की दृष्टि से इस तरह की प्रक्रियाएं चालू हो गई। अब एक कलश होते थे पहले, फिर 3 होने लगे, फिर 5 होने लगे, फिर उनकी कोई गिनती नहीं, और धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि कलशों को पैसों के संग्रह का आधार बनाया जाने लगा। मुझे ये बात वर्षों से खटकती थी,
मैंने सोचा इंदौर से एक नई शुरुआत होनी चाहिए। कलश रखना है, एक कलश रखो। जहाँ तक अर्थ की बात है तो मैं इस मिथ को तोड़ना चाहता था कि बिना कलश के भी लोग अपना योगदान दे सकते हैं, और इंदौर वालों ने ये कर दिखाया। समझ गए, आप लोगों को कलश रखने का अवसर भले नहीं मिला, लेकिन चातुर्मास का तो पूर्ण अवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है। इसलिए लगे रहिए, और अब ये प्रक्रिया मेरे साथ चालू हो गई। मैं सभी भक्तों से कहता हूँ, अब जिनको भी कलश रखने का भाव है, अभी से मन बना के रखना। जैसे साल में पिच्छी किसी एक को मिलती है, कलश भी किसी एक को मिलेगा। जोर जोर कर रखना, जब जिसका भाग जगेगा वो पा जाए। असित अर्चना बैनाड़ा कोलकाता, जो गुणायतन की ट्रस्टी है, और उसके बाद में रितु मनीष जी जैन कोलकाता, यदि वो भी उनके पास में ही है तो साथ में आ जाए। ओ नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, प्रथमानुयोग में पढ़ने में आता है नारद जी कलह प्रिय थे, कभी उन्होंने सीता जी के साथ, कभी रुक्मिणी के साथ, कभी द्रौपदी के साथ, तो उनका नाम नहीं आता है, सिर्फ नारद। तो वो क्या एक ही थे? ऐसे तो पढ़ने में 11 रुद्र आते हैं। ओ देखिए, नौ नारद। हाँ, नौ नारद। उन नारदों के विषय में कहा जाता है कि वे कलह प्रिय होते हैं, लेकिन नारद नाम के और लोग भी हैं। तो नारद के पद में रहना और नारद के नाम रखना, इसमें अंतर है। तो जो वसु स्वर्ग झूठ से थी, नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया, वो नारद नाम का व्यक्ति था। दोनों भिन्न था। नहीं, वो तो अलग है, लेकिन बाकी सारे नारद कलह प्रिय होने के कारण अधोगामी होते। ओ हाँ, ऋतु जी मनीष जी जैन कोलकाता, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अविनाश जी जैन प्रवक्ता विदिशा। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, किसी भी कार्य को करने में, चाहे वो संसारिक कार्य हो चाहे धर्म के कार्य हो, पुण्य की जरूरत पड़ती है, तो क्या पुण्य की आकांक्षा करना गलत है? देखिए, पुण्य की आकांक्षा करना अच्छी बात नहीं, पुण्य का कार्य करना अच्छी बात। पुण्य की क्रिया करो, पुण्य की आकांक्षी मत बनो। पाप से बचने का भाव रखो, पुण्य का फल मत चाहो, और पुण्य की क्रिया में पीछे मत रहो, रास्ता ही। नमोस्तु। अविनाश जी जैन अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद गजेंद्र जी जैन, गेंद्री ग्रुप इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न है, सार्वजनिक रूप से आप जो नियम देते हैं तो उसका पालन कितना करना चाहिए, और नहीं करने वाले को क्या उसमें दोष लगता है? जैसे आज आपने नियम दिया, कोई मुझे कितना भी अपशब्द कहे उसका मैं प्रतिकार नहीं करूंगा, और यदि इसका जितनी बार भी उल्लंघन होगा उसके 100 रुपये पेनाल्टी के हिसाब से मंदिर की गोलक में डालूंगा। गुरुदेव, मैंने तो इसका पूरा पूरा पालन किया है, और यदि किसी ने नहीं किया और गुस्सा आ गई और उसने वो उसके पेनाल्टी के भी पैसे नहीं डाल पाया, तो उसे कितना दोष लगेगा? मतलब पेनाल्टी डाल दो, अभी दिन थोड़ी बीता है, हिसाब लगा लो, कल प्रवचन आने तक बैलेंस शीट करा जा सकता है। तो इसका दोष कितना लगता है महाराज जी? अगर देखो, अगर आपने संकल्प लिया है तो उसकी पूर्ति जरूर करना चाहिए। जीवन में सुधार चाहते हो तो जरूर करो। नमोस्तु। तुम्हें पेनाल्टी तो नहीं लगी? नहीं लगी, बहुत अच्छी बात। श्रीमती माया देवी गजेंद्र जी, गिन्नी ग्रुप इंदौर, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। उनके साथ में ही ब्रह्मचारी दिनेश भैया जी अपने बीच में पंच बालेती से यहाँ पर हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए, और वो भी साथ में रहेंगे, अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद तैयार हैं ज्ञानेंद्र जी जैन जयपुर। गजेंद्र जी का प्रश्न है, वैसे वो प्रश्न पहले भी आ गया है, और वही प्रश्न इनका भी है कि वर्तमान में आप आहारचर्या में, और उसकी बात मत करो, और कोई सवाल है तो बात करो, बहुत हो गया। हाँ, चलो अगला बुलाओ। हाँ, बोलिए ज्ञानेंद्र। ज्ञानेंद्र जी जैन के समय बहुत कीमती होता है, सदस्य वही प्रश्न कीजिए जिसका प्रयोजन है, जल्दी बोलिए। नमस्ते महाराज श्री। ज्ञानेंद्र जी जैन। नमस्ते महाराज श्री। सभी छुल्लक महाराज जी को इच्छामि। महाराज जी,
ऐसा कहते हैं, शरीर में बोझ बढ़े तो व्यायाम कीजिए, मन में बोझ बढ़े तो ध्यान कीजिए, और धन का बोझ बढ़े तो दान कीजिए। तो महाराज जी, ये तीनों चीज़ों का बोझ बढ़ने की नौबत ही ना आए, इसके लिए व्यायाम, ध्यान कब, कितना और कहाँ किया जाए, ताकि कोई गलत परिणाम ना होने पाए और जीवन में संतुलन भी। तीनों प्रकार के बोझ से बचने का एक ही उपाय है कि जीवन को नया आयाम दीजिए। आपने बोला शरीर में बोझ पड़े तो व्यायाम कीजिए, मन में बोझ पड़े तो ध्यान कीजिए, और धन का बोझ पड़े तो दान कीजिए, और तीनों का बोझ न बढ़े तो जीवन को एक नया आयाम दीजिए। अध्यात्म के रास्ते को अंगीकार कर लीजिए, युक्ता हार बिहारी बनिए, सहज संतुलित और सधी हुई जिंदगी को अपना लीजिए, जीवन अपने आप व्यवस्थित हो। नमस्ते। एक कोई श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, वे अपना प्रश्न कर रही हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे उन्नति जैन सागर, और उनके साथ में बालचंद बल्लू भैया के जो है भतीजी सेजा जैन, वह भी साथ में रहेंगे। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनि राजो के चरणों में नमोस्तु, छुलक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, कदम छोटे हो या बड़े, रुकने नहीं चाहिए, और मंजिल पाने के लिए हमेशा चलते रहना चाहिए। लेकिन अगर इंसान थक जाए तो क्या करना चाहिए? तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है कि चल रहा मनुष्य है, अश्रुस्वेद लथ अश्रुस्वेद रक्त से, लथ पथ लथ पथ लथ पथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। हरिवंश राय बच्चन की इन प्रेरणादायी पंक्तियों को याद करो, मुझे थकना नहीं है और थमना नहीं है, चलना है चलना है चलना है, बस चलते ही जाना है। यही अंदर का उत्साह संचरित करता है और जीवन का पथ प्रशस्त करता है। उन्नति जैन सागर अपना प्रश्न कर रहे हैं, उसके बाद में सेजा जैन सागर। मां आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु 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 नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी, आज से लगभग एक दशक पूर्व, लगभग 10 वर्षों के पहले, सबसे पहले हम, मुझे और मेरे पूरे परिवार को आप जैसे गुरु का सानिध्य मिला। जयपुर चतुर्मास से सबसे पहले हम लोग आपसे जुड़े, और मम्मी हम लोगों को उठाने के लिए टीवी पे आपके प्रवचन लगा देती थी, और तब से हम लोग आपसे जुड़े हुए हैं। महाराज जी, अगले अलग अलग शहरों में हम लोग चतुर्मास स्थलों पर आपके दर्शन के लिए गए हैं। तब ऐसा होता था कि झरने के पास हम प्यासे जाते थे। ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारे ही नगर में इंदौर में आपका चतुर्मास हुआ है, लेकिन मैम महाराज जी, वर्किंग होने के कारण हम लोग उतना लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो महाराज जी, ऐसा क्या करें कि एज अ वर्किंग वूमेन भी हम लोग लगातार आपके पास जुड़े रहे और आशीर्वाद भी मिलता रहे। सैटरडे संडे को पूरी तरह समर्पित कर दो, अपने आप काम हो जाए, और ऑफिस आवर के आगे पीछे भी तो किया जा सकता है। दूर जगह आते तो एक अंतर है, ठीक है, महीना दो महीना चार महीना छः महीना साल में एक बार आए, पर वहाँ फ्री होके आते थे तो जितना रहता पूरा समय कला। अब यहाँ जंजाल साथ में जुड़ा हुआ है तो उधर भी ध्यान देना पड़ता है, लेकिन उन सब से बचने का यही एक उपाय है कि हम जितना बने उतना लाभ उठाएं। सेजा जैन सागर अपना प्रश्न कर रहे, उसके बाद पीयूष जी सरावड़ी कटनी, जो शिरोमणि सनक संगठन बनाई थी। नमोस्तु महाराज श्री, आजकल लौकिक शिक्षा का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। जब बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं उस समय हम बच्चों को पाठशाला जाने से रोक देते हैं, तो हमें पाप लगता है। अगर लगता है तो कौन सा पाप लगता है? देखिए, जब लौकिक परीक्षा हो, पाठशाला जाने से रोक देते हैं, तो इसके लिए मैं तो ये कहूँगा कि पाठशाला के आयोजकों को ही कुछ ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए कि परीक्षा के टाइम में थोड़ा विराम दे दिया जाए, ताकि कोई रोकने का पाप ना पाए। और दूसरी तरफ अगर बच्चों को आप पाठशाला जाने से रोक रहे हैं तो अदर एक्टिविटी के प्रति भी ध्यान दीजिए, उनसे भी रोकिए। बाकी सब एक्टिविटीज़ को तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो, अब केवल पाठशाला को रोक रहे हैं, ये ठीक बात नहीं।
अगर बच्चों की रुचि होती है तो उन्हें जरूर भेजना चाहिए। पीयूसी सराव की कटनी और उसके बाद में तैयार होंगे सुभाष जी जैन गुणायतन सीईओ। नमोस्तु गुरुजी। गुरुजी मेरा सवाल यह है कि हर परिवार में एक व्यक्ति होता है जो चाहता है कि उसका पूरा परिवार खुश रहे, आगे बढ़े, सब लोग सही से चले, लेकिन उसकी ये सोच पे वो सबसे ज़्यादा रोता है क्योंकि वो किसी को खुश नहीं रख पाता। गुरुजी इसका समाधान दीजिए, क्या उसकी वो सोच गलत है? फिर से बोलो। गुरुजी मेरा सवाल है कि हर परिवार या न्यूक्लियर फैमिली हो चाहे जॉइंट फैमिली हो, उसमें एक व्यक्ति रहता है जो पूरे परिवार को साथ में लेके चलना चाहता है। वो चाहता है कि उसका परिवार सुखी रहे, सारे भाई अच्छे से काम करे, सब औरतें अच्छे से खुशी रहे, लेकिन जब भी वो सोचता है और उसके प्रति काम करता है अंत में वो सबसे ज़्यादा रोता है। तो क्या गुरुजी उसकी सोच गलत है? अगर नहीं तो वो खुद भी खुश रहे और सबको साथ में लेके अच्छे से चले, इसका समाधान दीजिए गुरुजी। देखिए अगर वो ये सोचता है कि सब खुश रहे सुखी रहे तो ये बहुत अच्छी सोच है, पर उसके बाद वो रोता है तो ये उसकी दुर्बलता है। एक बात ध्यान रखना, ये काम कर्तव्य की भावना से करोगे तो लोग भी खुश रहेंगे और तुम भी खुश रहोगे, और कर्ता बुद्धि से करोगे तो रोते रहोगे। जो काम करना है कर्तव्य की भावना से करो, कर्ता बन के मत करो। मैं करता हूँ ये बात मन से निकालो, मैं इसमें निमित्त हूँ इस बात को मन में बिठा लो। मेरे निमित्त से जितना होना है वो हो जाएगा, मैं बेहतर से बेहतर प्रयत्न करूँ फिर जैसा निमित्त आए। यदि ऐसी सोच विकसित होगी तो सारा रास्ता अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। गुणायतन के सीईओ सुभाष जी अपना प्रश्न कर रहे हैं, उनके साथ में कन्हैयालाल जी सेठी भी आ जाएं। कन्हैयालाल जी आएंगे नहीं, सुभाष जी उनके पास जाएंगे, उनका अलग सवाल। हाँ ठीक, वहीं चले जाए पीछे। और उसके बाद धीरान सिंह संजीव जैन कटनी तैयार रहे। गुरुदेव के चरणों में शशत नमन, मंचासीन मुनिराजों के चरणों में साधन नमोस्तु, चुल्लक महाराजों के चरणों में साधन इच्छामि। गुरुदेव मंदिर निर्माण की कलाओं में तो सजाना हम लोगों का दायित्व है, जितना मंदिर सुंदर बने उतना ही अच्छा है, लेकिन इसका एक कुछ बैलेंस या कुछ ऐसा पैरामीटर या कोई ऐसा पैमाना हो जिससे कि मंदिर का कहाँ तक ले जाना चाहिए, इसका कुछ ऐसा कुछ आगम में या कुछ ऐसा गाइडलाइन है क्या कहीं पे? मंदिर जीवन की सर्वश्रेष्ठ संरचना है और इस उत्कृष्ट संरचना को हमें यथासंभव अच्छे से अच्छे तरीके से बनाना चाहिए। शास्त्रों में शिल्प और स्थापत्य का बहुत सूक्ष्मतम विवेचन, बड़ी बारीकी से बताया गया है कहाँ कितनी कारीगरी करनी चाहिए, तो वो चीज़ें तो है। उसके साथ शिल्प का अंत नहीं है, उसका विकास होता है, निखार होता है। हम अपने प्राचीन मंदिरों को देखें, खजुराहो के मंदिर को देखें, रानकपुर के मंदिर को देखें, दिलवाड़ा के मंदिरों को देखें, क्या कला और शिल्प का जीवंत नमूना है। तो हम उसे बनाए साकार करें, उसका कहीं अंत नहीं। आपने जो गुणायतन में भी किया सब शास्त्रों पर तो आधारित है। हाँ, कला में निखार लाने के लिए, कला का विस्तार लाने के लिए ये सब चीज़ें और जुड़ती है, उसमें नित्य नवीनता लाई जाए। ओ, ओ। हमारे बाबूजी कन्हैयालाल जी सेठी एक बात रखना चाहते हैं कि पावापुरी में विद्यासागर भवन जो आपके चतुर्मास के समय बना है बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और उस पैसे का बहुत अच्छा सदुपयोग हुआ था, यही बात बोल रहे ना? प्रयोग हुआ था। ऐसा है कि महाराज जी का जहाँ भी चौबासा होता था पहले, जहाँ भी चौबासा हुआ आज तक, जितना भी पैसा जहाँ पर आया है वो पैसा वहीं पर खर्च किया गया है, और चौबासा में जो पावापुरी में जितना पैसा आया था पूरा पैसा वहाँ लगा दिया गया है, विद्यासागर भवन बनाया गया है। विद्यासागर भवन में आप लोग दौर वाले सब पधारे, वहाँ देखे लड्डू की टाइम चला जाता है, वहाँ परमार सागरी महाराज के चौबासा के लिए बनाया गया था, वो सब बना था, आपको इसी सूचना हम दे रहे हैं। बहुत सुंदर, चातुर्मास के करतार भी यही थे। चलिए सारे धीरांशी जैन कटनी अपना प्रश्न रखें और उसके बाद डॉक्टर रश्मि जैन तैयार रहे। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु।
गुरुदेव, डायमंड्स आर क्रिएटेड अंडर प्रेशर, मतलब डायमंड्स प्रेशर में ही बनते हैं। फिर से बोलो। डायमंड्स आर क्रिएटेड अंडर प्रेशर, डायमंड्स प्रेशर के अंदर ही बनते हैं। इसी लाइन पर आज हर कोचिंग इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराती है और पढ़ाई के इतने प्रेशर में आकर फेलियर के डर से कुछ लोग बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं, वरना कुछ बच्चे एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस में सक्सेसफुल तो हो जाते हैं बट अपनी सक्सेस को डिफाइन नहीं कर पाते। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि सक्सेसफुल होना ज़्यादा ज़रूरी है या उतना नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन करना? देखिए, सक्सेसफुल होने का मतलब क्या है? किसी एक टारगेट को अचीव कर लेना मात्र सक्सेस की पहचान नहीं। सच्चे अर्थों में सफलता जीवन की पूर्णता का नाम है, जिसमें कोई एक लक्ष्य नहीं, जीवन का परिपूर्ण विकास। लेकिन आजकल किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना ही लोग सफलता मानने लगे। हमें अगर अपने जीवन को सफल बनाना है तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े और उसकी संभावनाओं को भी साथ साथ देखते चले। किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम जब आगे बढ़ते हैं, और ख़ासकर कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में, और लोग उसमें ही अपनी सफलता गिनने लगते हैं तो उन पर प्रेशर होता है। यदि हम अपनी योग्यता और अनुभव का लाभ उठाएं तो हम एक क्षेत्र में विफल होकर के भी दूसरे क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। हमें नई संभावनाओं को देखना चाहिए और उस अनुरूप आगे। समय भी पूरा हो गया है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।